फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि कैसे पिवट टेबल्स के डेटा सोर्स को ऑटोमेटिकली अपडेट कर सकते हैं विद एंड विदाउट फॉर्मूला। उसी के साथ हमने ये भी सीखा था कि एक्सेल में टाइमर को कैसे सेट किया जाता है जिसके बाद पिवट टेबल्स का डेटा ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता रहता है इन एवरी वन मिनट, मैनुअली हमें रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। बट कल रात को मैंने सोचा कि अगर हम किसी को WhatsApp पे मैसेज करते हैं देन वी एक्सपेक्ट कि हमें रिप्लाई इंस्टेंटली मिल जाए। हम लोग जो आज की जनरेशन है उसको वेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देन व्हाई वी आर वेटिंग फॉर अ मिनट आफ्टर सेटिंग अ टाइमर इन एक्सेल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने पिवट टेबल को ऑटोमेटिकली रिफ्रेश कर सकते हो इंस्टेंटली, आपको टाइमर भी सेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस ट्रिक को सीखना चाहते हो तो आपको करना क्या है, जी हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि ऐसी बहुत सी अमेजिंग ट्रिक्स मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। सो ये हमारे पास सैंपल डेटा जिस पे सबसे पहले मैं पिवट टेबल को क्रिएट कर लेता हूं, जिसके लिए मैं इस डेटा को सिलेक्ट करता हूं, ऑल डी पी मेरा शॉर्टकट होता है पिवट टेबल्स को क्रिएट करने के लिए। क्लिक ऑन नेक्स्ट नेक्स्ट एंड मैं इसी शीट में पिवट टेबल को क्रिएट कर लूंगा। एंड यहां पर मैं पिवट टेबल क्रिएट करता हूं बेस्ड ऑन कैटेगरी एंड सेल्स। अभी के लिए अगर मैं अपने इस डेटा के अंदर कुछ भी चेंज करता हूं तो मुझे इस पिवट टेबल के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं दिखाई देंगे। इन चेंजेस को देखने के लिए या तो मुझे अपने पिवट टेबल पे जाके रिफ्रेश करना होता है या फिर मुझे टाइमर को सेट करना होता है। बट इसी चीज को इंस्टेंटली अप्लाई करने के लिए हमें VBA का एक लाइन का कोड यूज करना है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का कोड हमें यहां पर यूज करना है, जिसके लिए मुझे डेटा टैब पे जाके राइट क्लिक करना है एंड उसके बाद मुझे जाना है व्यू कोड। यहां पर आपको सेलेक्ट करना है वर्कशीट एंड यहां पर आपको सिर्फ एक लाइन का कोड लिखना है, दिस वर्कबुक डॉट रिफ्रेश ऑल। एंड ऊपर जहां पर सिलेक्शन लिखा हुआ है उसको आप डिलीट कर दीजिए, दैट्स इट। उसके बाद आप इस विंडो को क्लोज कर दीजिए एंड आपका काम हो चुका है। अब इस डेटा के अंदर इस वैल्यू को मैं चेंज करता हूं अप टू 90,000 एंड जैसे मैं एंटर हिट करूंगा मेरा डेटा यहां पर चेंज हो जाएगा। अब आपको मैनुअली रिफ्रेश करने की भी जरूरत नहीं है। इस एक्सेल फाइल के अंदर जितनी भी पिवट टेबल्स होंगी वो सारी की सारी पिवट टेबल्स ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएंगी सिर्फ और सिर्फ इस एक लाइन के कोड से। बट फ्रेंड्स, यहां पर हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। इस एक्सेल फाइल के अंदर हमने कोडिंग को यूज किया है। अभी इस फाइल का जो एक्सटेंशन है वो है XLSX। किसी भी एक्सेल फाइल के अंदर जब भी हम कोडिंग को यूज करते हैं तो हमें उसका एक्सटेंशन चेंज करना पड़ता है, इसीलिए हमें इस फाइल को सेव करना पड़ेगा XLSM फॉर्मेट के अंदर, जिसके लिए आपको जाना है फाइल टैब पे, सेव एज, ब्राउज, जहां भी आप सेव करना चाहते हैं सबसे पहले आप उस फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हो एंड आपको जाना है सेव एज टाइप एंड यहां से आपको सिलेक्ट करना है एक्सेल मैक्रो अनेबल्ड वर्कबुक। ये ऑप्शन आपके पास ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है बेस्ड ऑन अ एक्सेल वर्जन। तो मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा एंड क्लिक करना है आपको सेव पे। अगर आपने इस एक्सेल फाइल को मैक्रो अनेबल वर्कबुक में सेव नहीं किया है तो जो कोड हमने इसके अंदर लिखा है वो कोड बाद में काम नहीं करेगा। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप में से कितने लोग पिवट टेबल्स पे काम करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी नए एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।